चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए गुजरात सरकार पूरी तरह तैयार है। चक्रवात का असर सौराष्ट्र और कच्छ में आने वाले दिन तक रहेगा, वहीं उत्तर गुजरात में 15 और 16 जून को इसका असर रहेगा। देखिए रिपोर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम है बिपरजॉय। इसका असर सौराष्ट्र और कच्छ में कल से 15 जून तक रहेगा। 15 जून को सबसे अधिक खतरा भी बताया जा रहा है। ऐसे में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं गुजरात सरकार में मंत्री कानूभाई देसाई ने वलसाड के तिथल बीच पर तैयारियों का जायजा लिया। IMD की माने तो बिपरजॉय 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा, जिसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा का पूर्वानुमान लगाया गया है। ये जो विंड स्पीड है, ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। सो इसकी वजह से समुद्र में जो वेव जनरेट हो रहा है, इसका हाइट लगभग 10 से 14 मीटर है। उधर बिपरजॉय के कारण मुंबई में भी समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर और कोल्हापुर जिलों में अलग अलग जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बिजली गरजने और बारिश होने की संभावना है। तो वाराणसी